गंभीरता से कह रहा हूं मैं, कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहां और मरूंगा यहां, चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटी भांजे, अभी देखो छोटे छोटे बच्चे कोई सभा में आते हैं क्या? ये अपने मामा के लिए आए हैं। बहनों की योजनाएं भी जारी रहेंगी और भांजे भांजियों के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रहेगी, चाहे गरीब हो किसान हो। हमने कई तरह की बातें कही है, लाडली बहना के लिए जो कहा है वो हम करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, और अपनी सरकार काम करेगी। किसानों के लिए जो वचन दिए वो भी पूरे होंगे। लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहना आवास जैसी योजनाएं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राजतिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या रिश्ते तो प्यार के हैं, स्नेह के हैं, आत्मीयता के हैं। मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। ये परमानेंट है। मैं आपका आभारी हूं। साहेबगंज अकेले में भारतीय जनता पार्टी को नगर में देखे तो 5048 वोट मिले और कांग्रेस को 645।